नमस्कार, मैं अभी आज है 15 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 19 लाख रोजगार का लक्ष्य जरूर होगा पूरा। बिहार में 2 और नेशनल हाईवे को मिली स्वीकृति। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर क्या है बिहार सरकार की तैयारी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर जागरूकता रथ रवाना। बिहार में नदियों और झीलों का पानी पिएंगे लोग। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 2 और नेशनल हाईवे को मिली स्वीकृति। बिहार में नेशनल हाईवे का जाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल का फायदा लगातार मिल रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ की 2 और योजनाओं की स्वीकृति दे दी है। इस बाबत पथ निर्माण मंत्री ने भी सारी जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत पथ निर्माण मंत्री ने जिन योजनाओं की अनुमति दी है, एक NH-122B और दूसरी NH-527E है। NH-527E दरभंगा से रोसड़ा के बीच है। इसका निर्माण 495 करोड़ रुपए खर्च करके होगा और दूसरी सड़क हाजीपुर महनार बछवाड़ा है, इसके निर्माण पर 470 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पथ निर्माण मंत्री ने कहा है कि शीघ्र ही इन दोनों सड़कों की निविदा होगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर क्या है बिहार सरकार की तैयारी। बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। बिहार में भी आलम ठीक ऐसा ही है, जिसके बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य महकमा सख्ते में है। वहीं दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार सरकार से कोरोना के नए वेरियंट को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर बीते दिन सवाल पूछा है। शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से बिहार को ऑक्सीजन आपूर्ति और उपलब्धता के बारे में पूरा ब्यौरा मांगा है। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना का खतरा अभी बरकरार है। बिहार के वैशाली के कोरोनेशन टैंक या अभिषेक पुष्करणी में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। वैशाली संग्रहालय के सामने एक सुंदर झील है, जिसे कोरोनेशन टैंक या अभिषेक पुष्करणी के रूप में जाना जाता है। फूलों के पेड़ों और झाड़ियों से घिरा जलाशय का पानी पुराने दिनों में पवित्र माना जाता था और ऐसा माना जाता है कि इस गणराज्य में जब कोई नया शासक निर्वाचित होता था तो उनको यहीं पर अभिषेक करवाया जाता था। पछुआ हवा ने बढ़ाया ठंड का असर। बिहार में ठंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए अब ठंड का आगमन हो गया है। बिहार में चल रही पछुआ हवा के कारण ठंड का असर राज्य में बढ़ने लगा है। इतना ही नहीं, तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है, जिससे लोगों को सुबह और रात में काफी ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इन सबके बीच अब बिहार में ठंड को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अहम बात कही है, जिसके तहत विभाग ने 16 दिसंबर तक शहर का न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के आसपास बने रहने का अनुमान है। हालांकि अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होगा। सुबह के समय प्रदेश के एक या दो स्थानों पर हल्के और मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे भिखारी ठाकुर की। भिखारी ठाकुर एक भारतीय भोजपुरी भाषा के कवि, नाटककार, गीतकार, अभिनेता, लोक नर्तक, लोक गायक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्हें व्यापक रूप से भोजपुरी भाषा का सबसे बड़ा लेखक और पूर्वांचल और बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक लेखक माना जाता है। उन्हें अक्सर भोजपुरी का शेक्सपियर और राय बहादुर कहा जाता है। उनकी रचनाओं में एक दर्जन से अधिक नाटक, एकालाप, कविताएं, भजन शामिल है, जो लगभग 3 दर्जन पुस्तकों के रूप में छपे। उनकी उल्लेखनीय रचनाएं विदेशिया, गबर घिचोर, बेटी बेचवा और भाई विरोध है। गबर घिचोर की तुलना अक्सर बर्टोल्ट ब्रेख्त के नाटक द कोकेशियन चौक सर्कल से की जाती है। उन्हें नाच लोक रंगमंच परंपरा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें महिला भूमिका में पुरुष अभिनेताओं को कास्ट करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। जाने के एवज में मुआवजा देगी सरकार। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में आंख फोड़वा कांड सामने आया था, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की आंख की रोशनी चली गई, जिसके बाद से ही हॉस्पिटल के साथ साथ जिले में हुई प्रशासनिक चूक पर सवाल उठ रहे थे। हालांकि इस मामले में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच सीएम नीतीश ने मुजफ्फरपुर आंख फोड़वा कांड को पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने इस बात की घोषणा की है। हालांकि अभी कितने रुपए मिलेंगे इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर जागरूकता रथ रवाना। बीते दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर ऊर्जा विभाग ने जागरूकता रथ को रवाना किया। इस दौरान पटना के इको पार्क से 5 ऊर्जा संरक्षण जागरूकता रथ रवाना किया गया। बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने इसको हरी झंडी दिखाकर ऊर्जा संरक्षण रथ को रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि ऊर्जा का संरक्षण बहुत जरूरी है और लोगों में इसको लेकर जागरूकता भी फैलाना है। यही उद्देश्य से वो आज ऊर्जा संरक्षण जागरूकता रथ रवाना कर रहे हैं। ज्ञात हो, इस दौरान 5 रथ को रवाना किया गया है, जो पटना के विभिन्न जगहों पर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरह से बिजली की खपत कम करें।
प्रदेश ने बिहार वासियों को दी 1919 करोड़ की स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात। बिहार में सीएम नीतीश बीते कुछ दिनों से लगातार बिहार वासियों को तोहफा देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश ने बीते दिन एक बार फिर से बिहार वासियों को 1919 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य योजनाओं का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री की तरफ से उद्घाटन किए गए योजनाओं में जमुई में मेडिकल कॉलेज सहित कुल 1919 करोड़ रुपए के विभिन्न स्वास्थ्य योजना शामिल है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री लगातार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी कर रहे हैं और जो योजना पूरी हो गई है उसका उद्घाटन और लोकार्पण उन्होंने किया। प्रवेश परीक्षा में हुआ घोटाला। इन दिनों बिहार की शिक्षा व्यवस्था घोटालों से घिरी हुई है। हर दिन शिक्षा से जुड़े घोटालों का खुलासा हो रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर डीएलएड परीक्षा में घोटाला के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर डीएलएड परीक्षा के नाम पर 15 करोड़ रूपये का घोटाला करने की बात कही है। साथ ही छात्रों को अविलंब परीक्षा शुल्क लौटाने की बात भी कही है। इस बाबत राजद प्रवक्ता ने साफ कहा है कि बिहार में शिक्षा के नाम पर लूट अब आम बात हो गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से साल 2019 में बिहार के सरकार और निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में डीएलएड सत्र 2020-22 में नामांकन के लिए विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया गया था, जिसमें लाखों बच्चों ने आवेदन किया था। पंचायत चुनाव में जदयू एमएलसी की बेटी को मिली हार तो बहू ने दर्ज की जीत। बिहार पंचायत चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव में है, क्योंकि सभी चरणों के मतदान हो गए हैं और आज आखिरी दिन मतगणना होनी है, जिसके बाद आज से बिहार के सभी गांवों की सरकार बन जाएगी। हालांकि हर चरण की मतगणना की तरह इस बार भी जनता का अजब गजब फैसला देखने को मिला, जिसके तहत पिपरासी प्रखंड के सौरहा पंचायत से जदयू एमएलसी भीष्म साहनी की पुत्री रिंकी सहनी मुखिया का चुनाव लड़ रही थी, जो हार गई है। लेकिन भीष्म सहनी की पुत्रवधु अनिता कुमारी बीडीसी का चुनाव जीती है। वहीं दूसरी तरफ राजद नेता मुकेश कुशवाहा की पत्नी प्रेमा मेहता सौरहा पंचायत से मुखिया का चुनाव जीती हैं। बिहार में अभी भी लोग दे रहे हैं दोगुना किराया। कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही रेलवे की तरफ से पैसेंजर ट्रेन की संख्या बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब भी पटना के विभिन्न रूटों पर जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों में दो तरह की वसूली हो रही है, जिसका बोझ यात्रियों पर ही देखने को मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे में 21 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन ऐसी है जिनमें यात्रियों को मेल एक्सप्रेस के बराबर किराया पड़ रहा है। पटना गया, फतुहा बक्सर और पटना झाझा में ही पैसेंजर ट्रेन का पुराने किराए लिया जा रहा है, जबकि इसी रूट पर उतनी ही दूरी में पैसेंजर ट्रेनों में दोगुना किराए की वसूली की जा रही है। बिहार दैनिक यात्री संघ के सदस्यों ने कि पैसेंजर ट्रेनों को स्पेशल नाम देकर चलाया गया था, अब भी इसमें मेल एक्सप्रेस का किराया लिया जा रहा है। बिहार में 19 लाख रोजगार का लक्ष्य जरूर होगा पूरा। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए ने 19 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जिसके बाद अब श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा बिहार के 19 लाख रोजगार का लक्ष्य पूरा होने की बात कह रहे हैं। इस बाबत उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 3 करोड़ 49 लाख का है, जो 31 दिसंबर तक पूरा करने के लिए बिहार का श्रम संसाधन विभाग प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि अभी तक प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में 1 करोड़ 23 लाख मजदूरों का निबंधन हो पाया है। ई श्रमिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले मजदूरों को पूरी तरीके से लाभ मिलेगा। बिहार श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन करने में चौथे पायदान पर है। ई श्रमिक पोर्टल पर आंगनबाड़ी समूह की दीदी, आशा कार्यकर्ता, जीविका के लोगों को भी शामिल करना है। आने वाले 15 दिनों में काफी तेजी के साथ यह काम होगा। पटना में फिर से तैयार हुआ कंट्रोल रूम और कोविड केयर सेंटर, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सेल भी सक्रिय। बिहार में बीते कुछ दिनों से मामले चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि राजधानी पटना में सबसे ज्यादा कोविड के मामलों को स्पॉट किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में एक्टिव केस की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में काम करने लगा है। इसको लेकर और संभावित तीसरी लहर के खतरों को ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन ने तैयारियों का सिलसिला तेज कर दिया है, जिसके तहत ही पटना में कोविड कंट्रोल रूम चालू कर दिए गए हैं। साथ ही 0612-221-9080-224-9964 टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। साथ ही कोरोना के खतरों को देखते हुए एक बार फिर से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सेल को भी सक्रिय कर दिया गया है। बिहार में नदियों और झीलों का पानी पिएंगे लोग। बिहार सरकार की यही योजना है कि बिहारवासी शुद्ध पेयजल पिए। इसको लेकर ही अब बिहार के लोगों को सरकार नदियों और झीलों का पानी पिलाने जा रही है। ज्ञात हो राज्य के गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रक विभाग को दी गई है। इसके लिए गंगा सहित अन्य नदियों और झीलों का सहारा लिया गया है। कई योजनाएं पूरी हो गई है। मुंगेर जिला का खड़गपुर झील अब एक बड़े इलाके के लिए पेयजल का बड़ा स्रोत बन गया है। इस झील के पानी से खैरा बहुग्रामीय योजना तैयार की गई है, यानी कि अब क्षेत्रों में शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाने की जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। इन क्षेत्रों में पेयजल पहुंचाने के लिए बोरिंग के अलावा नदियों और झीलों के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
2030 तक बंद नहीं होंगे बीएड कॉलेज। बिहार के सभी बीएड के छात्रों के लिए खुशखबरी। बीते कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि अगले सत्र की व्यवस्था में आने वाली नई शिक्षा नीति से निजी या स्वतंत्र रूप से चल रहे बीएड कॉलेज को बंद किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बार बार यही जानकारी निकल करके सामने आ रही थी कि नई शिक्षा नीति में स्वतंत्र बीएड कॉलेज की जगह सरकारी कॉलेज में बीएड की पढ़ाई या इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने पर जोर दिया गया है, जिससे जल्द ही निजी या स्वतंत्र रूप से चल रहे बीएड कॉलेज या कोर्स बंद हो जाएंगे। लेकिन ये कॉलेज और ऐसे कोर्स अगले 9 साल तक यानी साल 2030 तक बंद नहीं होंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान सरकारी कॉलेज में 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स भी शुरू होगा। टीएमबीयू के कॉलेज इंस्पेक्टर डॉक्टर संजय कुमार झा ने इस बात की जानकारी दे दी है। अब गया एयरपोर्ट से जल्द ही पहुंच जाएंगे ऑर्गेनिक उत्पाद। किसानों के सामान खराब ना हो और इससे किसानों की आय को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने कृषि उड़ान से बिहार में गया के अतिरिक्त दरभंगा को भी जोड़ने का ऐलान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उड़ान 2.0 के तहत किसानों के उत्पाद को समय पर गंतव्य तक पहुंचाकर नुकसान की संभावनाओं को कम करने की योजना के साथ काम हो रहा है। इसके तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ऑपरेट किए जा रहे 53 एयरपोर्ट को चुना है, जो कृषि उड़ान 2.0 के तहत कवर किए जाएंगे, जिसके तहत अब साल 2023-24 में आगरा, दरभंगा, गया, ग्वालियर सहित अन्य एयरपोर्ट पर हब बनाने और स्पोक मॉडल तैयार करने का प्रस्ताव है। जदयू की बिहार यात्रा का दूसरा चरण इस दिन से होगा शुरू। विधानसभा चुनाव में जदयू की उड़ी फजीहत के बाद पार्टी अभी से ही लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है। हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा ने जिलों का भ्रमण कर जदयू के काम को जन जन तक पहुंचाने का काम किया था। अब जदयू की बिहार यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, जो कि 16 दिसंबर से शुरू होगा, और इस बार इसकी शुरुआत जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा करने वाले हैं, जिसके तहत ही बिहार यात्रा पर उमेश कुशवाहा ने कहा है कि इस बार सहरसा, मधेपुरा और सुपौल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो लोगों से बात कर फीडबैक लेंगे और सरकार के कामों को भी लोगों को बताएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नई कमेटी गठित। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बीते दिन नई कमेटी का गठन कर दिया है। इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने पार्टी के बिहार प्रदेश कमेटी का विस्तार करते हुए अपने सभी प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की है, जिसमें 16 उपाध्यक्ष, 40 महासचिव, 61 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 35 सदस्यों को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी गई है। सभी के अनुभव का लाभ लेकर पार्टी राजनीतिक लक्ष्य की तरफ मजबूती से आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव में हार के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा पुरानी कमेटी को भंग कर दिया गया था। इसके बाद आज नई कमेटी का गठन किया गया है। इस नई कमेटी में कुल 152 लोगों को सम्मिलित किया गया है। इसमें नए और पुराने लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। जगदानंद सिंह को जदयू ने अपने साथ आने का दिया न्योता। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। आज कौन से दल के नेता कल को किस दल में शामिल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि समय के साथ बिहार की राजनीतिक मनोदशा भी बदलती है। इसी कड़ी में अब एक और राजनीतिक संभावना बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि हाल ही में जदयू ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अपने साथ आने का न्योता दिया है और यह काम किया है टिहरी के जदयू प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने। उन्होंने जगदानंद सिंह को साफ कहा है कि राजद में उनका अपमान हो रहा है, उनके साथ राजपूत समाज का भी अपमान हो रहा है, जबकि जदयू में राजपूत समाज को हमेशा से सम्मान मिलता रहा है। राम मंदिर की ही तरह सीतामढ़ी में भी माता सीता के मंदिर निर्माण की उठी मांग। अरसों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता जैसे ही साफ हुआ, रामलला के भक्तों में खुशी की लहर झूम उठी और अब सभी भक्त बस राम मंदिर के बन जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब बिहार में भी मां सीता के मंदिर निर्माण की मांग उठने लगी है, क्योंकि सीतामढ़ी मां सीता के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने बीते दिन दरभंगा पहुंचने के साथ ही कहा कि अयोध्या में भगवान राम का जितना भव्य मंदिर बन रहा है, वैसा ही मंदिर सीतामढ़ी में माता सीता का भी बनना चाहिए। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की स्थापना 1911 में आज के दिन हुई। भारत की एस विजयलक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की प्रथम महिला अध्यक्ष आज के दिन चुनी गई थी। जाने माने फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को 1992 में सिनेमा जगत में उनकी उपलब्धियों के लिए स्पेशल ऑस्कर से आज के दिन नवाजा गया था। अरुंधति रॉय को 1997 में उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था। भारतीय महिला पहलवान गीता फोगाट का जन्म 1988 में आज के दिन हुआ था। भारतीय कंप्यूटर इंजीनियर पीयूष कमल का जन्म 1992 में आज के दिन हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते साहू महाराज का 1749 में निधन आज के दिन हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 1950 में आज के दिन हुआ था।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 15 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,410 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,690 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,500 रुपए था। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की बात करें तो 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। नेटफ्लिक्स हुआ सस्ता, अमेजॉन प्राइम हुआ महंगा। साल 2021 का आखिरी महीना दिसंबर अपने साथ कई तरह के बदलाव लेकर आया है। इस दौरान मोबाइल रिचार्ज समेत कई चीजों पर भारी महंगाई की मार पड़ी है, लेकिन इस बीच नेटफ्लिक्स ने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत में कटौती करके ग्राहकों को राहत देने का काम किया है। ऐसे में आज से नेटफ्लिक्स देखना सस्ता हो गया है, जबकि अमेजॉन प्राइम देखने वाले ग्राहकों पर महंगाई की मार पड़ेगी। नेटफ्लिक्स का मंथली प्लान 179 से अब 149 रुपए में हो गया है। यह एक सिंगल मोबाइल और टैबलेट स्क्रीन प्लान है। यह प्लान में एसडी कंटेंट देखा जा सकेगा। वहीं अमेजॉन प्राइम का मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान 129 रुपए में आता था, जिसे बढ़ाकर 179 रुपए कर दिया गया है। यह प्लान बिना सब्सक्रिप्शन लिमिट के साथ आता है। ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले का कोहराम जारी। भारतीय टीम के बल्लेबाज ने अपने टीम के बल्लेबाजों के होश उड़ा रखे हैं। ये बात आपको भी अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में 5 मैचों में 4th शतक जड़ा है और वो अब तक 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं। चंडीगढ़ के खिलाफ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सीजन के एक दिवसीय टूर्नामेंट का 4th शतक महज 95 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से पूरा किया। इससे पहले वो उत्तराखंड के खिलाफ 21 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए थे, लेकिन उससे पहले 3 लगातार शतक उन्होंने जड़े थे। मानवाधिकार आयोग ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से किया जवाब तलब। मानवाधिकार आयोग ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय को नोटिस किया है। मिली जानकारी के अनुसार यह नोटिस एसआरकेपी कॉलेज शखिया की एक छात्रा को समय पर मार्कशीट नहीं मिलने पर दिया गया है। यह छात्रा सत्र 2016-19 की छात्रा है। परीक्षा पास करने के 2 साल बाद भी जब विश्वविद्यालय से उसे मार्कशीट नहीं मिली तो उसने मानवाधिकार आयोग से अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद छात्रा की शिकायत के बाद मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए बिहार विश्वविद्यालय को नोटिस किया है। इस मामले में बिहार विश्वविद्यालय के विधि पदाधिकारी डॉ मयंक कापिला ने बताया कि मानवाधिकार आयोग को नोटिस का जवाब दे दिया गया है। वहीं पेंडिंग रिजल्ट और समय पर डिग्री और मार्कशीट नहीं देने पर मुख्यमंत्री जन शिकायत ने भी बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन से स्पष्टीकरण की मांग की है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मोहरा, नंदन सिंह, सौरभ मिश्रा, अनवर करीम खान, कविता कुमारी, रूपेश कुमार, शंकर मुखिया, श्वेता रॉय, प्रदीप शाहजहां खातून, सीताराम सिंह, प्रेम कुमार, अमन कुमार, दयाराम राउत। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में सड़कों का जाल बिछाने में बिहार सरकार सफल हो पाई है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।